में बनाइए हर्षीज चॉकलेट सिरप। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं श्वेता दीदी कुकिंग चैनल। अब क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा लाजवाब है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जब आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें तो हेडलाइन पर जरूर लिखिएगा एंजॉय। चॉकलेट सॉस बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कप कोको पाउडर लिया है और आधी कप चीनी। चीनी हमने कोको पाउडर की आधी ली है। ये अनस्वीटेन कोको पाउडर है। अगर आप स्वीटेन कोको पाउडर ले रहे हैं तो चीनी को एक चौथाई कप लीजिएगा। वनीला एसेंस हमने लिया है एक टीस्पून। पानी हम लेंगे आधा कप। ये सभी चीज़ें मैंने मेजरिंग कप से नापी हैं। अगर आपके पास ऐसे मेजरिंग कप्स ना हो तो आप कटोरी से भी नाप सकते हैं। बटर हम लेंगे एक टेबलस्पून। इससे हमारी चॉकलेट सॉस पे बहुत ही अच्छा ग्लेज आता है। और यहाँ पे मैंने एक टीस्पून नमक लिया है। तो चलिए चॉकलेट सॉस बनाना शुरू करते हैं। अब क्योंकि आज मेरे पास पाउडर शुगर नहीं थी तो सबसे पहले हम एक ग्राइंडर में चीनी डाल देंगे, कोको पाउडर डाल देंगे, नमक भी डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को एक साथ ग्राइंड कर लेंगे। इससे चीनी भी ग्राइंड हो जाएगी और सब चीज़ें अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगी। एक पर दो काज हो जाएंगे। ये देखिए हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम अपने सभी इंग्रेडिएंट्स में पानी भी डाल देंगे और फिर से ब्लेंड करेंगे। इससे हमारा पेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बन जाएगा। अब एक पैन में इस ब्लेंड करे हुए पेस्ट को हम डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम पे ऑन कर देंगे। इस पूरे प्रोसेस में हम फ्लेम को मीडियम या लो पे ही रखेंगे और लगातार चलाते हुए अपनी चॉकलेट सॉस को पकाएंगे। इस चॉकलेट सॉस को मीडियम फ्लेम पे बनने में केवल 3 से 4 मिनट ही लगते हैं, मगर बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि इसको बनाते समय फ्लेम को मीडियम पे ही रखना है। थोड़ी देर के लिए भी हाई पे नहीं करना है, वरना ये नीचे से जल जाएगी। और यहाँ पे मुझे 3 मिनट हो गए हैं चॉकलेट सॉस को पकाते हुए और ये बनके तैयार है। ये देखिए कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारी चॉकलेट सॉस की। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ठंडी होने के बाद ये चॉकलेट सॉस थोड़ी और गाढ़ी होगी। फ्लेम को बंद करने के बाद भी बर्तन थोड़ा गर्म ही होता है तो हम इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे ताकि हमारी सॉस नीचे से जले नहीं। अब हम इसमें डालेंगे बटर। इस बटर को डालने से हमारी चॉकलेट सॉस के ऊपर बहुत ही अच्छा ग्लेज आ जाता है। अब हम इसको मिक्स कर देंगे और सबसे एंड में हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस को लेके बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं मुझसे। तो जैसे हम अपने मीठे में इलायची पाउडर डालते हैं, वैसे ही अंग्रेज लोग अपनी स्वीट डिशेस में इस वनीला एसेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। ये छोटी वाली बॉटल वनीला एसेंस की केवल 25 रुपए की पड़ती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चॉकलेट सॉस हल्की हल्की ठंडी हो गई है तो ये थोड़ी थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। तो अब हम इसको एक कंटेनर में डाल देंगे। आप इस चॉकलेट सॉस को 1 महीने तक फ्रिज में रख के यूज कर सकते हैं। इसे आप केक्स, डेजर्ट्स या आइसक्रीम के ऊपर डाल के गार्निशिंग में यूज करें या सिंपल दूध में डाल के चॉकलेट शेक का मजा लें। एंजॉय। हमारे चैनल के कुछ और वीडियोस देखने के लिए इन लिंक्स पे क्लिक करें।